नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और हमने एक एनजीओ भी बनाया है, सेव अवर अर्थ फाउंडेशन, उसका मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हूं। तो देखिए, आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, वो है बहनाटाइसिस। तो इसमें मतलब बहनाटाइसिस का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहाना बनाते हैं कि मैं तो बीमार हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा होगी, ऐसे मतलब बहुत सारे वो बहाना बनाते हैं और वो मतलब किसी भी काम को मतलब टाल टोल करते रहते हैं। वो सोच तो रहते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उस काम को वो करते नहीं है। तो हम आज जो लोग बहाना बनाते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो मतलब, और बहुत सारे जो एग्जाम्पल है जिन्हों इस दुनिया के अंदर जिनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ तक कि वो मतलब एक फिजिकली डिसेबल्ड भी थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़ी बड़ी भी महानतम उपलब्धि हासिल की। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो बहाना बनाते हैं, उन लोगों से ये सबक लें। तो यहाँ पर हम जो बहनाटाइसिस के बारे में यहाँ पर थोड़ी मतलब बात करेंगे। तो बहनाटाइसिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके की है, लेकिन बहुत सारे जो बहाना बनाते हैं, जैसे हम मोटे मोटे तौर पर हम बात करें कि जैसे कई लोग बहाना बनाते हैं कि सेहत का बहाना बनाते हैं, बुद्धि का बहाना बनाते हैं, उम्र का बहाना बनाते हैं और किस्मत का बहाना बनाते हैं। तो हम इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि देखिए कि सबसे जो लोकप्रिय हैं, जिनको हम कह सकते हैं लोग जो अक्सर जो बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो हमेशा ही क्या है कि ऐसे बहुत सारे जो लोग जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जब पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है आपके, तो वो मतलब ऐसे दुखी मन से कहेगा कि अरे मैं क्या करूं, मेरी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, इधर दर्द होता है उधर दर्द होता है। तो ऐसे लोग मतलब जीवन में सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे जो लोग हैं जो कि फिजिकली 80% या 90% या 50% होते हैं, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त की। और हम आए दिन बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते रहते हैं। सेहत का बहाना साइटिस से कैसे बचें उसके बारे में, तो इसके बारे में सेहत ये देखिए, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें, अपने सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। आपकी सेहत जैसी भी हो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तब मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं, इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। तो इसमें क्या है कि हमें मतलब ऐसा करना चाहिए, हम जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा ये बीमारी है, जब आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर, जैसे एक गाना भी है जो कि एक मूवी है जिसमें महानतम जो एक्टर है राजेश खन्ना है, वो उनका एक गाने में वो कहते हैं कि मेरे कम कितने हैं और दुनिया में मतलब कितने कम हैं। मतलब इस तरीके से क्या है कि जो बहाना बनाते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मेरे तो अंदर इतने गम है, बहुत सारे हैं, नहीं, लेकिन हम जब आगे देखेंगे कि दुनिया के अंदर हमारे जो गम है, हमारी जो तकलीफें हैं, उससे भी ज़्यादा तकलीफें इस दुनिया के अंदर है। तो देखिए, अपने आप को ये अक्सर याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अब इसमें देखिए कि परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि। अब बहुत सारे लोग बुद्धि का बहाना बनाते हैं, जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियाँ करते हैं, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि देखो मैं तो सफल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे अंदर माइंड ही नहीं है, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, और वो मेरा दोस्त है या मेरा वो जो परिचित है जीवन के अंदर सफल इसलिए हुआ है कि उसका दिमाग मेरे से ज़्यादा काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि हम मेहनत करेंगे और हम यदि पॉजिटिविटी हम बनाए रखेंगे तो हम भी जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हम जो बुद्धि का जो बहाना बनाते हैं तो उनके लिए मतलब हम क्या तरीके ढूंढ सकते हैं, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आके और दूसरे की बुद्धि को कभी जरूरत से ज़्यादा न आके, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। तो ये देखिए कि बुद्धि हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी, हमें सकारात्मकता हमें बनाए रखनी होगी। तो याद रखें, तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सोचने की योग्यता। अब इसमें अब तीसरा आता है टॉपिक उम्र का। बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि अरे मेरी तो उम्र ही निकल गई,
मैं आप कुछ भी नहीं कर सकता। आपने आपने देखा होगा कि जो आपके बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने मोर देन 60 की उम्र में मतलब उन्होंने सफलताएं प्राप्त की है, जैसे आप KFC के जो मालिक हैं उनके बारे में आप मतलब देख सकते हैं कि मोर देन 60 की उम्र में उन्होंने सफलता के झंडे उन्होंने गाड़ दिए थे। तो उम्र से ऐसा कुछ नहीं होता, और कई लोग कहेंगे कि अरे मेरी तो उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो इसके उम्र की जो जो बहाना साइड है उसका इलाज क्या है। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है, इसे हराएं वरना यह आपको हरा देगी। और जो हम यदि उम्र का जो बहाना बनाते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें हैं कि हम अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोचें, हिसाब लाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय है, भविष्य में वह काम करें जो सचमुच करना चाहते हैं। परंतु मेरा ये जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा तो मामला ही अलग है, मेरा तो मामला अलग है, मेरी तो मतलब किस्मत ही खराब है। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं यह दरअसल किसी मानवीय मशीनी गड़बड़ का परिणाम होती है। अब कई लोग जैसे हमने अभी इसमें डिस्कस किया, जैसे उम्र के बारे में हमने बात की, बुद्धि के बारे में हमने बात की, सेहत के बारे में हमने बात की। अब कई लोग क्या कि जब कभी मान लो किस्मत को ही दोष देते हैं। आप ये देख लो कि मान लो हम ट्रेन का आगे कूद जाएंगे, फिर कोई कहे कि नहीं मेरे तो किस्मत में ऐसा था, या हम बैल के सामने आ जाएंगे तो हमें मारेगा ही। तो इसमें क्या है कि हमेशा मतलब जो किस्मत का जो रोना पीटते रहते हैं ये, अब उसके बारे में हम क्या करें, तो कारण और परिणाम के नियम स्वीकार करें, कभी भी दुःस्वप्न ना देखें। अब इसमें अब जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे भाई मेरा मामला तो अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है, या कोई मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें मेरे से घाटा ही घाटा जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम हमेशा किस्मत को दोष ना दें, हम मेहनत करें और मन लगाकर मेहनत करें, और हमेशा अपने मन के अंदर एक विश्वास बनाए रखें, और तभी हम जीवन के अंदर सफल हो पाएंगे। तो ये बहाना जो साइंटिस्ट थे उसके बारे में हमने बात की, बहुत सारे जो लोग हैं, लेकिन आप उनको देखें, हम दुनिया के अंदर बहुत सारे there are so many examples in the world जो जिन्होंने मतलब एज ए मतलब क्या बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड या मेंटली डिसेबल्ड के बावजूद, या उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर सफलता के शिखर तक पहुँचे, उन्होंने सफलता के झंडे उन्होंने गाड़े। तो उनसे हमें सफल मतलब सबक सीखना चाहिए। यहाँ पर मैं इसी आज के वीडियो में मतलब मैं छोटा सा एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने इरा जो मैडम है, इरा सिंगल मैडम है, उनके बारे में आपने सुना होगा, आप उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मोर देन 80% वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तब भी उन्होंने अपना अपना जो टारगेट बनाया, जीवन का अपना लक्ष्य बनाया, तो उन्होंने मतलब IAS के एग्जाम को पार किया। और ये देखिए ऐसे ही एक आरती डोगरा है, तो उनकी जो हाइट है वो कम है, लगभग 3.5 फीट है। तो अब अपने उन्होंने अपने जीवन के अंदर मतलब टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया, और उन्होंने IAS के एग्जाम को निकाला। अब कोई ये कहे कि नहीं मेरा तो कद ही बहुत कम है, कोई कहे कि मैं तो फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये केवल बहाने हैं। और कई लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ही बहुत गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम मन के अंदर सोच लें और जैसा सोचेंगे हम वैसा ही हम बन जाएंगे। यदि हम ये सोचेंगे कि मैं सफल नहीं हो सकता तो सफल नहीं होगा, यदि वह सोच लें कि मैं सफल हो सकता हूँ, वह अंदर एक विश्वास मतलब जागृत कर ले मन के अंदर, तो वो जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमने एक बुक बनाई है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये मोटिवेशन बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो हम इसको क्या कि हजारों की तादाद में देश के विभिन्न शहरों में गाँव में इसको हम हार्ड कॉपी के रूप में दे चुके हैं, लेकिन सभी तक इसको हार्ड कॉपी में पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने हमारा जो NGO है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट है saveourearthfoundation.org, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको डिजिटल फॉर्म में वहाँ पर मतलब अपलोड कर दिया है वहाँ पर, तो जिस किसी को भी चाहिए वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी जो भी डिवाइस है वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे जैसे कि लोगों ने कहा है उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है, there are so many topics covered in this book, तो आप भी इसे पढ़ें और दूसरों को आप इसको पढ़ाएं, और हमारी जो वेबसाइट की जो लिंक है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हम अंत में आपसे यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएँ दें, और हमारा जो चैनल है उसका आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए हम दिल से और मन से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक